नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अक्सर पेट के दाहिने हिस्से में नीचे की ओर दर्द होने लगता है और ऐसी स्थिति में इस पेट दर्द का कारण जानना जरूरी है। ये दर्द अलग अलग कारणों की वजह से हो सकता है, जैसे कि एपेंडिसाइटिस, ओवेरियन सिस्ट, पथरी और किडनी इन्फेक्शन। इनमें से कुछ कारण तो गंभीर भी हो सकते हैं, जिनके लिए तुरंत जाँच जैसे कि सिटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड जरूरी है। साथ ही दवाइयों या सर्जरी से इनका इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा हेल्दी लाइफस्टाइल और पौष्टिक भोजन का सेवन करना भी जरूरी है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे पेट के दाएं हिस्से में होने वाले दर्द के बारे में। सबसे पहले तो जानेंगे पेट के दाएं हिस्से में होने वाले इस दर्द के लक्षण के बारे में। तो पेट की गैस या पथरी जैसे कई कारण हैं जिसकी वजह से पेट के दाएं हिस्से में दर्द या बुखार हो सकता है। ऐसे ही कुछ और भी लक्षण होते हैं, जैसे कि सीने में दर्द, मल में ब्लड आना, स्किन का पीला पड़ना या पीलिया होना, छूने पर पेट का अधिक नरम महसूस होना, पेट में सूजन होना, महिलाओं को सेक्स के दौरान दर्द होना, पेट फूलना और पीरियड्स बहुत अधिक होना या फिर पीरियड्स बहुत कम होना। और अब हम दोस्तों जानेंगे पेट के दाएं हिस्से में होने वाले इस दर्द के कारणों के बारे में। तो किडनी इन्फेक्शन, हर्निया और ओवेरियन सिस्ट जैसी कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं जिससे पेट के दाएं हिस्से में दर्द हो सकता है। इनमें से कुछ गंभीर और कुछ साधारण हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क मालूम होना जरूरी है। तो इसके कारणों की बात की जाए तो सबसे पहला है गैस होना। जब खाना ढंग से नहीं पचता है तो आंतों में गैस बन जाती है और इसके कारण पेट फूल जाता है और थोड़ा असहज महसूस हो सकता है। ये स्थिति ज़्यादा गंभीर नहीं होती और इसके लक्षण कुछ समय में कम हो जाते हैं। दूसरा है अपच। अपच की समस्या आमतौर पर कुछ अधिक मसालेदार या तला भुना खाने से होती है और इस समस्या के लिए पेट में जलन, ब्लॉटिंग या ज़रूरत से ज़्यादा फार्टिंग होना जैसे संकेत है। एपेंडिसाइटिस की बात करें तो दर्द केवल दाएं भाग में ही हो रहा है तो इसका सबसे मुख्य कारण एपेंडिसाइटिस भी हो सकता है। अपेंडिक्स एक तरह की ट्यूब होती है जो बड़ी आंत से जुड़ी होती है और जब ये अपेंडिक्स सूज जाता है तब एपेंडिसाइटिस जैसी स्थिति देखने को मिलती है और इसके लक्षणों में बुखार, डायरिया, कब्ज और उल्टियाँ आना जैसे लक्षण शामिल है। कुछ मामलों में तो अपेंडिक्स को ही निकाल दिया जाता है ताकि दर्द को ख़त्म किया जा सके। उसके बाद एक कारण होता है किडनी इन्फेक्शन। हो सकता है कोई एक या दोनों ही किडनी बैक्टीरिया द्वारा संक्रमित हो गई हो। वैसे तो ये स्थिति बहुत अधिक खतरनाक नहीं होती, फिर भी आगे होने वाले नुकसान से बचने के लिए डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। पथरी होने की बात करें तो किडनी में मिनरल्स और नमक इकट्ठा होने से छोटे छोटे स्टोन्स बनने शुरू हो जाते हैं जिन्हें किडनी स्टोन कहते हैं। इनका साइज हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है। अगर स्टोन का साइज बड़ा हो जाए तो पेट के दाएं भाग में दर्द महसूस होता है। ओवेरियन सिस्ट की बात करें तो ये केवल महिलाओं में देखने को मिलता है। ओवरी में सिस्ट उत्पन्न हो सकते हैं जिनके कारण पेट में दर्द, खासकर पेट के दाएं भाग में दर्द हो सकता है। बड़े साइज वाले सिस्ट ज़्यादा दर्द उत्पन्न करते हैं। और हर्निया की बात करें तो हर्निया एक आम समस्या है जो पुरुष या महिला किसी को भी हो सकती है और इसमें मांसपेशियों के कमज़ोर होने पर अंदरूनी अंग बाहर आने लगते हैं। और हर्निया कई प्रकार के होते हैं जिनमें से पेट का हर्निया आम है। कुछ अन्य कारण भी होते हैं जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, पीरियड्स के दौरान दर्द, एंडोमेट्रियोसिस, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ओवेरियन टॉर्जन या फिर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पेट के दाएं हिस्से में दर्द का निदान कैसे किया जा सकता है। तो पेट के दाएं हिस्से में दर्द अपच या फिर पथरी के कारण हो सकता है और इससे जुड़ा कोई भी लक्षण नजर आने पर समय पर जांच करवाना जरूरी है। और जांचों की बात करें तो उसमें है अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, सिटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, शारीरिक जांच, एंडोस्कोपी और ब्लड टेस्ट वगैरह। और बात की जाए कि पेट के दाएं हिस्से में दर्द का इलाज क्या होता है, तो दर्द का इलाज उसकी तीव्रता या कितने समय से दर्द है उस पर निर्भर करता है। यदि कम गंभीर दर्द है तो ओवर द काउंटर दवाइयों से भी ठीक हो सकता है। वहीं किडनी इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक की आवश्यकता होगी, जबकि गंभीर दर्द के लिए सर्जरी भी की जा सकती है, जैसे कि एपेंडिसाइटिस के लिए अपेंडिक्स को हटाने की ज़रूरत पड़ती है। और बात की जाए कि पेट के दाएं हिस्से में होने वाले इस दर्द को कम करने के टिप्स क्या क्या हैं, तो इसके लिए कुछ टिप्स भी अपनाए जा सकते हैं, जैसे कि अधिक से अधिक पानी या कोई लिक्विड डाइट लेनी चाहिए, दर्द निवारक गोली जैसे कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन लेने से बचना चाहिए जब तक पता न हो कि इस दर्द की स्थिति जैसे गैस या अपेंडिक्स वगैरह तो नहीं है। कुछ समय के लिए सॉलिड फूड भी नहीं खाना चाहिए जब तक आराम न मिले। तला भुना और मसालेदार खाने से बचना चाहिए और कुछ लाइफस्टाइल बदलाव जैसे कि कम मीठा खाना, अधिक फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ खाना, रेगुलर एक्सरसाइज, कम अंतराल पर थोड़ा थोड़ा खाना वगैरह अपनाना चाहिए। तो दोस्तों पेट दर्द का कारण या स्थिति पता चलने पर खुद से इलाज करना सही नहीं है। डॉक्टर की सलाह से पहले एमआरआई स्कैन और ब्लड टेस्ट कराने चाहिए। निदान के बाद ओवर द काउंटर दवाइयों या सर्जरी से इलाज किया जाता है और इसीलिए पेट के ऊपरी और दाएं हिस्से में यदि लंबे समय तक या तीव्र दर्द होता है तो तुरंत डॉक्टर से
संपर्क करना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।